आगे भी थोड़ा देर होगा, चलो थोड़ा भजन कीर्तन कर लेते हैं। बंद करो, बंद करो, आए बना, अब तक आएंगे, अरे बच्चों का टाइम हो रहा है, ये लोग बात करो बाबा जी, जल्दी मिलो। बच्चों बाबा के दरबार में मोबाइल लाओ, नहीं होता ऐसी रजिस्टर का खतरा हो सकता है। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाबा आते ही होंगे, मैं बाबा दो मिनट बात कर लेता हूँ। ठीक है बात करिए। बाबा कम ऑनलाइन, बाबा कम ऑनलाइन, बाबा कम ऑनलाइन। हाँ सर, बोलो बेटा। कहाँ हो बाबा? बस बेटा, मैं ऑपरेशन घर से निकल चुका हूँ। बाबा आपके दरबार में कई भक्त तो आ चुके हैं, कितना आगे की कल करे बाबा। हाँ सर, बस बस बस, कुछ देर में मैं पहुँचने वाला हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी करो। ओके बाबा, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। चलो बाबा को स्वागत करते हैं। बाबा आगे, बाबा आगे, बाबा आगे, बाबा किधर हो, बाबा किधर हो, सुनो बेटा, आज ये दुनिया कहाँ से कहाँ निकल चुकी है। कोई नेता बन रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, बचे खुचे हम जैसे लोग वो साधु बन जाते हैं। बेटा क्या करोगे, जीवन में कुछ तो बनने की जरूरत है। हाँ आपकी क्या है, क्या चाहिए बाबा? खुश रहो बाबा, कीजिए। हाँ जी, जरूर जरूर। अब आराम से आप लोग बैठ जाइए। और आप लोग एक एक करके अपने बाबा के साथ पास अपने समस्या का सामने कीजिए। एक एक करके पहले किसको बोला है? देखो बेटा, जिसको मिला है सबसे ज्यादा ज्ञान, उसी की उसका समस्या का होगा सबसे पहले समाधान। ठीक है गुरु जी, ठीक है, चलो आ जाओ। बाबा की जय हो। कुछ क्या होगा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी आंखों में कुछ दिनों से बहुत जलन हो रही है बाबा, मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूँ बाबा। अच्छा, समाधान कीजिए। लगता है बाबा रात दो वर्षो तक जटिल किया है। ग्रह राज। हाँ बेटा, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है जी बाबा। है ना? अच्छा, तुम जब ध्यान करते थे तो आंखों में कुछ लगाते थे? हाँ बाबा लगाता था, अभी तो बाहर चश्मा लगा लेता था बाबा। अच्छा, झूठ मत बोलो, सब सच बता, लगाता था कि नहीं? जी बाबा माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ, नहीं लगाते थे ना तुम? नहीं बाबा। यही कारण है बेटा कि आज तुम्हारी आंखों में जलन हो रही है, है ना? अच्छा, कहाँ काम करते हो? बाबा मैं जाबो पावर प्लांट में वेल्डर का काम करता हूँ बाबा। अच्छा, वेल्डर का काम करते हो, ठीक है बेटा। तुम्हारी समस्या का समाधान के लिए हमें अपने प्रभु से बात करना पड़ेगी। जी बाबा, बात करिए। ओके ओके।
भगवान ऑनलाइन ऑनलाइन कमान कमान टीवी 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 जीव रही जी 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 जीव रही तुम्हारी सुरक्षा का सवाल हाल हो गया है। सुनो सुन ये गुरु जी इसे गॉगल्स देना ठीक है गुरु जी। ये लो बेटा इसे डर के काम करना तुम्हें जीवन की रोशनी आ जाए। अरे बाबा इसलिए तो मैं हीरो बना हूँ बाबा। हाँ बेटा तुम तो अक्सर तो बाहर लग रहे हो एकदम जगह नहीं जाना बेटा गॉगल्स पहन के जाना और हमेशा गॉगल्स पहन कर ही काम करना। सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार सेफ्टी सुरक्षा का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है बेटा मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। नहीं बेटा मेरी आज्ञा का पालन नहीं सुरक्षा के नियमों का पालन करना। जी बाबा मैं आपकी सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करूंगा बाबा। तथास्तु बेटा। ये लो ये तुम्हारी ठंडा पानी है शाम को इसको इसे आप धो लेना आपका गर्मी है शांत हो जाएगी तुम्हारे भी नहीं करेगा। ठीक है ठीक है बाबा लगता है बोले चुप हो गया है। हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे आप क्या कर रहे हो कौन रहो बेटा। हाँ अच्छा और खांसी से परेशान हूँ बाबा मैं। अच्छा कहाँ काम करते हो बेटा। इधर पुजली। अच्छा 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 कहाँ काम करते हो बेटा। अच्छा मिल में काम करते हो। अच्छा मास्क लगाते हो नोज मास्क झूठ में बोल रही हूँ सबसे ज्यादा लगाता था कि नहीं। अच्छा हाँ यही है तुम्हारी कर्मों की सजा जो आज तुम्हें खुजली और खांसी का सामना करना पड़ रहा है। रुको बस तुम्हारी समस्या का समाधान के लिए हमें अति प्रभु से बात करनी पड़ेगी। थ्री डी फोर डी वाई फाई कहाँ होगी जी भाई जी 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 अच्छा तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है बेटा। सुनो सुन ये गुरु जी इसे एक नोट मार्क दे ये गुरु जी तंगड़ गुरु जी सुनो बेटा जब भी तुम दस तरिया में काम करना तो मौज माप को लगा के काम करना तुम्हारी परेशानी चली जाएगी। ठीक है ये अपने खुजली के लिए साबुन लगा हुआ साबुन है इसे आने से पहले नहा लेना और यहाँ डिप्टी करके जाओगे इसके बाद नहा लेना तुम्हारे सब खुजली खत्म हो जाएगी तुम्हारी भलाई गाय की तरफ से निकलेगी। ठीक है आराम से बैठ जाओ अपने स्थान पे। जी हाँ जी आप बुलाओ ठीक है आइए ठीक है हो। हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो बता बेटा क्या हो परेशान क्या परेशानी है तुम्हारी तुम सुन रहे हो पहरा है पहरा है लग तो रहा है। हाँ लग तो रहा है कि लगता है पहरा ही है। हाँ ये मुझे नहीं रहा कर दे रहा। अरे कहाँ काम करते हो क्या परेशानी है तुम्हारी। अरे कहाँ काम करते हो क्या काम करते हो। टरबाइन में बाबा वहाँ पे बहुत देर होता है बाबा और तो नहीं होता है बाबा यहाँ पे कभी का एक आदमी रहता है उल्टा पलटा बोल रहा है नहीं बोल रहा है मोर नहीं जी वहाँ पे बहुत शोर होता है बच्चे सावन का मोहिना सावन का शोर
खेल होता है ना दादा, बहुत शोर होता है वहां पे। कुछ लगाते थे कान में, उंगली लगा लेता था दादा। देखो तो उंगली करने की आदत मिलता है। अच्छा अच्छा देखो बेटा, तुम्हारी परेशानी बहुत ही बड़ी हुई है। तुम्हारे लिए हम भगवान से याद करेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा बेटा। अच्छा जी जी बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। सुनो इसे जी गुरुजी, सुनो इसे कान के लिए देना। गुरुजी मंगल सूत्र का नाला नहीं है। अरे एयर प्लग है बेटा, एयर प्लग। ठीक है बाबा, इससे जब भी तुम साउंड एरिया में काम करोगे बेटा तो हमेशा अपने गाना सुर लगाए रखना। ठीक है बाबा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा। हाँ ठीक है, ये सरसों का तेल है। क्या भैंसा के तेल सरसों का तेल है? अरे इसे सोने के समय पे अपने कान में डाल लेना। कान में डालने से क्या होगा? अरे तुम्हारा जो मैनेजर है ना, मेरा कान साफ हो जाएगा। ठीक है बाबा, सोने से पहले डाल लेना इसको, पकड़ो। ठीक है, अपने स्थान में बैठ जाओ। बैठो बैठो बेटा बैठो। ये तुम टेबल में कैसे करके आ रहे हो? अच्छा 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 बहुत पापी है। अच्छा शनि का प्रकोप भारी है बेटा। अच्छा ये सर का चल क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट पहने थे? क्या बताए बाबा, सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करने में मजा नहीं आता है। हेलमेट लगाने से बाल खराब हो जाते हैं, हमारे साथ नहीं तो आ रहे हैं। अच्छा 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 बेटा, तुम सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो ऐसे ही तुम्हारे निकल लोगे। हमारी समझ में आए हो तो उपाय लगानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अभी भगवान से बात करनी पड़ेगी बेटा। रुको, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी प्रभु जी। अरे जाओ अपने घर जाइए। सुनो बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है। सुनो जी गुरु जी, इसे एक सेल्फी बेल्ट और हेलमेट दे। ओके गुरु जी, ये लो। बाबा इसमें तो मैं हीरो लग रहा हूँ दादा। अरे ऐसे तो हमें लग रहे थे, अब तुम एकदम अक्षर कुमार लग रहे बेटा। हाँ ऐसे हीरो की तरह चमकना चाहते हो बेटा। जब जब तुम जाना काम पे तो इसे जरूर ले जाना साथ में। है ना, मेरी आज्ञा तो नहीं बेटा। सुरक्षा के लिए ना बाबा आराम करना तो भाग तू बेटा। हाँ ठीक है ठीक है, अपने जगह पे कर लो। अरे
बड़ा धूप में है तू धूप में ये अच्छा बाबा नमस्कार हाँ ठीक है बेटा ठीक है बाबा मेरा कई दिन से हो गया मेरा हाथ जलन हो रहा है बाबा क्या हो गया है बेटा मैं परेशानी हो रहा है बाबा खा नहीं पा रहा हूँ ये अच्छा तुम कहाँ काम करते हो बेटा बाबा मैं सेफ्टी में काम करता हूँ कटर का काम करता हूँ पाइप छोटा छोटा पाइप जो उसको कटिंग करता हूँ बाबा अच्छा तो काफी हाथ में कुछ लगाए थे हाँ बाबा लगाया था क्या लगा सकते प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो चमका रहा है बाबा नहीं गुस्सा नहीं बेटा गुस्सा नहीं मैं क्या है तो भगवान की याद में लीन हो जाता हूँ तो मेरे अंदर वायरस आ जाता है वायरस आ जाता है हाँ सही कैसे होगा बाबा तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटा इसके लिए हम अपने बात करेंगे बेटा जी तो जी 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 सुनो बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया सुनो इसे ठीक है गुरु जी जब भी तुम कठिन का काम करोगे उसे लगा के काम करना बाबा ये क्या है अरे हैंड ग्लव्स है बेटा हैंड ग्लव हैंड ग्लव नहीं बेटा हैंड ग्लव हैंड ग्लव इसको लगा के खाना खाने में अच्छा सही पता जाते हैं बाबा खाना खाने में नहीं बेटा और इसे जब तुम कठिन का काम करोगे ना उसको लगा के कठिन करना तुम्हारे हाथ में जो परेशानी आई है वो नहीं रहेगी बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा ठीक है बाबा अच्छा ठीक है अपने आज्ञा पालन करूंगा बाबा मेरी आज्ञा का नहीं बेटा सुरक्षा के नियमों का पालन करना ओके तथा उन जगह जाओ चालू हेलो 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 हाँ बेटा बाबा काम करने से पहले मेरे को छुट्टी नहीं देना है क्या है बेटा क्या नाराज क्या है अरे मेरे को तो पढ़ने जैसे वार्निंग लेटर नहीं है अरे सिर्फ इसे तो वार्निंग लेटर नहीं ये महाराज कंपनी से निकालने का लेटर था क्यों ये कंपनी में शराब पी के आता का सेवन करता है खुद टेंशन से मरेगा आपका काम करने वालों को ही इसकी असर हो जाएगी जी महाराज सही बोल रहे हो अरे बाबा पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे अच्छा बाबा कुछ आप ही उपाय बताओ मेरे को छुड़ाने के लिए अच्छा छुट्टी नहीं है बाबा छुट्टी यह तो अपने छुट्टी है बाबा कोई उपाय बताओ बाबा अरे जरूर बेटा जरूर क्या नाम है तुम्हारे हमारा नाम गोपी है बाबा अच्छा गोपी वो कैसे अरे हमारा सभी से गोपी जाता है हाँ वो बने जाना अच्छा अच्छा तो गोपी अच्छा जा सकती क्या अच्छा अच्छा बड़ा सुंदर नाम है बेटा की कृपा है बाबा अच्छा अच्छा तुम्हारे शरण में आए हो जी गुरु जी जरूर कुछ करना ही होगा है ना हाँ इसके लिए हमें प्रभु से बात करनी पड़ेगी बेटा ओ शुभ प्रीति प्रभु जी प्रभु जी 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 प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम सुंदर बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया सुनो जी गुरु जी इसे एक केला देना जी गुरु जी ये क्या है बाबा अरे बेटा तम्बाकू में जैसे चूना मिलाते हो ना उसमें भी कैल्शियम होता है केला में भी कैल्शियम है इसे जब तक खाओगे
तुम्हें तम्बाकू भुट्टा की याद नहीं आई? ठीक है, अपने पान में व्यस्त रखो अपने आप को, है ना। आज सुबह व्यायाम किया करो, सुबह शाम व्यायाम करो, उठ के स्वस्थ रहेगी तुम्हारी, दारू का लत छूट जाएगा। ये तुम बोलते हो ना पिए हुए देखो झील में, कैसे मुझे नहीं पीता है, कैसे पी रहा है? मेहरबानी मेहरबानी है, ठीक है बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है अपना काम हो गया, अच्छा काम तो अच्छा हो गया। अच्छा आज रात अच्छे से जी से जी सुनो थे, अब हमारी प्रथागान हो गया है, हमारा आराम करने का समय हो चुका है, ठीक है। अब हम साधना में लीन होंगे बेटा, ठीक है। लोग भक्तों, बाबा के विश्राम का समय आ गया, बाबा चले विश्राम जी में। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, आप लोगों कैसा लगा? हाई स्कूल का एक छोटा सा ड्रामा था जो हम लोग इस रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम कोई बाबा या ये या सिस्टम गुरु जीरा नहीं है, है ना। ये तो इस सेफ्टी की मायने आज तक पहुंचाने के लिए ये हम एक मतलब उद्देश्य किए हैं। आजकल दोस्तों बाबा और ज्योतिषी में जितना विश्वास करते हैं उतना ही चीज में विश्वास नहीं करते। अगर इसी बात को हम सीधे तरीके से आज तक पहुंचाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। और यही बाबा देंगे तो बाबा की बातों में ज्यादा विश्वास होगा।